वेलकम बैक न्यू वीडियो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मैंने बनाऊंगी पूड़ी माता रानी के लिए और मीठी पूड़ी गुड़ की, गुड़ और चीनी की। तो गाइस पहले आटा गूंथते हैं मीठी पूड़ी का। तो मीठी पूड़ी का आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आटे को छान लेंगे इस तरीके से। जितनी क्वान्टिटी की आप बनाने चाह रहे हो तो उसी क्वान्टिटी से आप बना सकते हैं। तो ये छन्नी से छान लिया है, ये समथिंग एक कटोरा आटा है। ये गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ और चीनी को इस तरीके से भिगो दिया था पहले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा जमा हुआ है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये छिड़के के तरीके हो जाता है। मैंने एक डेली गुड़ और चीनी 4 टीस्पून समथिंग मैंने भिगो दी थी। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि ये निकल जाए। गैस को ऑन करेंगे और ये जो मैंने कटोरा रख देंगे इसके ऊपर और इस तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। तो गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और चम्मच से चलाएंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हल्का सा गर्म हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो मैंने गर्म किया है इसको अच्छे से चलाएंगे। तो ये गर्म, बस इतना गर्म करना है, हल्का सा गर्म करना है इस तरीके से। परफेक्ट गर्म हो गया और इसको घोल लेंगे अच्छे से। सो गाइस आटे में डालेंगे ऑयल। आधा चमचा समथिंग मैंने डाल दिया है और जो घोल तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से इसमें से भी निकाल लेंगे और अब इसका डो तैयार कर लेंगे मीठी पूड़ी का। तो मीठी पूड़ी का जो डो तैयार मैं कर रही हूँ वो इसी तरीके से करना है जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। तो ज़्यादा अगर गर्म पानी करेंगे तो आपका डो है थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो बस हल्का सा गुनगुना करना है। इसमें चाहे तो आप सौंफ डाल सकते हैं, गैस मैंने सौंफ नहीं डाली है। और इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची डाल दूंगी मैं। इलायची से गैस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इलायची को फोड़ लिए हैं और इसका जो अंदर के बीजे होते हैं वो डाल देंगे और ये छिलके जो हैं आप चाय में डाल के बना सकते हैं। तो ये रख देंगे, चाय में डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चाय लगती है। अगर कमेंट में बताइएगा अगर आपको चाय की रेसिपी चाहिए तो मैं चाय बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से चाय बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी चाय बनाती हूँ मैं। इस तरीके से आप डो तैयार कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है पानी की। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो लीजिए डो परफेक्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। थोड़ा सा पानी। तो लीजिए डो परफेक्ट तैयार हो गया है मीठी पूड़ी का। इस तरीके से माता रानी के लिए आप गाइस मीठी पूड़ी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से डो आप परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं सादा पूड़ी बनाने की रेसिपी। सादा पूड़ी बनाने के लिए गाइस आटे को छन्नी से छान लेंगे और छानने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो गाइस थोड़ा सा टाइट रहता है पूड़ी का। तो इस तरीके से गाइस सादा पूड़ी का डो आप तैयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पानी बस उतना ही डाला है और इसी तरीके से इसको कर्रा गूंद लेंगे। पूड़ी का गाइस डो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है और पराठे का थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और पूड़ी का थोड़ा कम सॉफ्ट रहता है।
तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। परफेक्ट, तो तैयार हो गया है। तो आप हाथ से इस तरीके से दबाएंगे तो आपको क्ले की तरीके सॉफ्ट लगेगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है पूरी का डो। ज़्यादा टाइट करेंगे तो पूरी आपकी कर्री बनेगी। तो लीजिए, पूरी का परफेक्ट डो तैयार हो गया है। और ये मैंने मीठा डो तैयार किया है मीठी पूरी के लिए। इस तरीके से गैस दोनों डो आप तैयार कर सकते हैं। चलते हैं गैस की तरफ, ले लेंगे सूखा आटा, रख लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म करेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखा है। इस तरीके से कड़छी ले लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे मीठी पूरी। मीठी पूरी बनाने के लिए चका बेलन ले लेंगे। अच्छा, तो बेलन को अच्छे से साफ कर लिया है क्योंकि माता रानी के लिए प्रसाद के लिए भोग बना रहे हैं। तो ये जो मीठी पूरी मैंने लिया है तो उसका डो इस तरीके से रख लेंगे। और इसको फिर से इस तरीके से करेंगे। और लोई बना लेंगे इसकी। सूखा आटा इस तरीके से डाल देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे हुए बनाएंगे। तरीके से लोई बना लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जब इस तरीके से आप हाथों से प्रेस देंगे तो ये परफेक्ट इस तरीके से लोई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों हाथों से इस तरीके से सारी लोई इसी तरीके से बना लेंगे और इसको बेलेंगे। थोड़ा सा मोटा ही बेलना है क्योंकि मैं पुए बना रही हूँ। इस तरीके से आप बेल सकते हैं गैस। तब डाल देंगे गैस में। कढ़ाई गर्म हो गई है। तो लीजिए, इस तरीके से सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। तो सादा पूड़ी बेलने के लिए जिसमें मैंने सादा पूड़ी का आटा ले लिया है और इस तरीके से पूजा वाली मैं पूड़ी बना रही हूँ। पूजा वाली पूड़ी का जिस तरीके से बनाएंगे इसको छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इसकी पूड़ी के लिए। ज़्यादा छोटी नहीं बनानी है, बस परफेक्ट बनानी है इस तरीके से। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, चाहे तो ऑयल से बेल सकते हैं। तो ये पूरी में बना रही हूँ पूजा के लिए, थोड़ी छोटी ही बनानी है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इस तरीके से आप गाइस बना सकते हैं पूरी, सादा पूरी। और ये बनाई है मैंने मीठी पूरी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे सादा पूड़ी और ये डालेंगे मीठी पूड़ी। तो ये गैस पूड़ियाँ बन गई हैं पूजा के लिए। निकाल लेंगे और जो मीठी पूड़ी है इनको पलट देंगे। इसको भी गुलाबी ही भून तलना है। और ये सादा पूड़ी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सही पानी के बताशे की तरीके बढ़िया फूल गई हैं पानी पूरी की तरीके।
अब मीठी पूड़ी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से गाइस आप मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं। तो गाइस आपको माता रानी का प्रसाद जो मैं तैयार कर रही हूँ, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, कि शहर से देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिए पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये है पूजा के लिए सादा पूड़ी और ये है मीठी पूड़ी। सो गाइस आप इस तरीके से मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी बना सकते हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी को भोग लगाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस जगह से देख रहे हैं मेरे चैनल को तो वो शहर की नाम कमेंट में बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। पूजा के लिए आप इस तरीके से पूड़ी बना सकते हैं। तो ये माता रानी के मंदिर में चढ़ाने के लिए और पूजा के लिए, तो इस तरीके से जो मैंने पूड़ी बनाई है और ये बनाए हैं मैंने बड़े पुए, इसमें आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक बना हुआ है। तो ये बड़े पुए बनाए इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। आप सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं बनाएंगे गाइस हलवा। तो इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रसाद बना है माता रानी के लिए। आपको कमेंट में बताइएगा।